हरे कृष्णा। आप सभी को कान्हा जी के छठी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। जैसे कि एक बालक का जन्म होता है, उसके बाद हम छठी का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं जन्माष्टमी पर, तो 6 दिन बाद हम उनकी छठी मनाते हैं, छठी उत्सव की पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि छठी उत्सव कान्हा जी का कब मनाया जाएगा और किस प्रकार से ठाकुर जी की छठी मनाई जाती है। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान छठी पूजा की विधि आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि छठी का उत्सव साल 2024 में कब मनाया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि एक बच्चे की छठी करी जाती है, पूरे 6 दिन के बाद छठी का उत्सव मनाया जाता है, छठी पूजा की जाती है, उसी प्रकार से जन्माष्टमी के भी ठीक 6 दिन बाद हम छठी पूजा करते हैं। तो जैसे इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई गई है, कई स्थानों पर 26 अगस्त को मनाई गई और कई स्थानों पर 27 अगस्त को भी मनाई गई। तो ऐसे में छठी का उत्सव भी 2 दिन मनाया जाएगा। जैसे कि जिन लोगों ने 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है, उनके लिए छठी उत्सव मनाने का दिन होगा 31 अगस्त 2024 यानी कि शनिवार के दिन। और अगर आपने 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई है, तो इसके अनुसार ठीक 6 दिन बाद 1 सितंबर 2024 को यानी कि रविवार के दिन आप मनाएंगे छठी का उत्सव। तो इस बार कान्हा जी की छठी पूजा भी 2 दिन होगी, 31 अगस्त को भी होगी और इसके साथ ही 1 सितंबर को भी की जाएगी। जिस दिन भी आपने जन्माष्टमी मनाई है, उसके ठीक 6 दिन बाद आपको मनाना है कान्हा जी की छठी। और अब जानते हैं कि छठी आपको किस प्रकार से मनानी है, किस प्रकार से पूजा आराधना आपको करनी है और कौन से वो नियम हैं जिनका पालन आपको छठी उत्सव के दिन ज़रूर करना है। और अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी की पूजा किस प्रकार से की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके घर में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है आपके परिवार में, तो छठी किस प्रकार से मनाई जाती है, मतलब आपके यहाँ के छठी के नियम क्या होते हैं, तो आप उन नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही भगवान की पूजा है, क्योंकि ये भगवान लड्डू गोपाल जी हैं तो इनकी पूजा है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। मतलब परंपरा के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ये भगवान हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपको छठी मनानी है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि शाम को छठी मनाई जाती है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सुबह छठी मनाई जाती है। वैसे विशेषकर दोपहर के बाद छठी की पूजा प्रारंभ हो जाती है लगभग सभी जगह पर। तो लगभग 12 या 1 बजे के बाद पूजा की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, छठी की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। ये एक उत्सव होता है तो घर में उत्सव का सा माहौल लगना चाहिए। मतलब आपके घर में घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगा दीजिए, मुख्य द्वार पर आप रंगोली बना सकते हैं फूलों से या फिर रंगों से, जैसे भी संभव हो। और हाँ, घर में एक मधुर ध्वनि भगवान के भजन की, कीर्तन की, अपने मोबाइल पर आप चला कर रख सकते हैं। इससे घर का जो माहौल होता है भक्तिपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद भगवान का भोग बनाना है आपको, तो आज विशेष रूप से भगवान को जो भोग बनता है, जो भोग लगाया जाता है, वो कढ़ी चावल का लगता है। और इसके साथ ही आप और भी बहुत सारी चीज़ें भोग स्वरूप में बना सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जब बच्चों की छठी मनाई जाती है, तो हर प्रकार का व्यंजन बच्चों की छठी में बनाया जाता है, जैसे कि मीठा भी, खट्टा भी, तीखा भी, मतलब कढ़ी चावल भी बनता है, पकौड़े भी बनते हैं, पुए इत्यादि भी बनते हैं, पूरी सब्जियां भी बनती हैं, मतलब हर प्रकार के भोजन बनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों की छठी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की छठी जिस प्रकार से संपन्नता से मनाई जाती है, उसी प्रकार से उसका आने वाला जीवन भी संपन्न रहता है, सुखी रहता है। तो छठी को इसी प्रकार से हमारे यहाँ देखा जाता है। अब आपके यहाँ आपके परिवार में जिस भी प्रकार की चीज़ें बनती हैं, उन सभी प्रकार की चीज़ें भगवान लड्डू गोपाल की छठी में भी आपको ज़रूर करना चाहिए। तो कढ़ी चावल, इसके अलावा भी आप चाहें जो आपके यहाँ बनता हो आप बना लीजिए, फल रख लीजिए, माखन मिश्री बना लीजिए, मतलब अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी चीज़ें आपसे हो सके, जैसा भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और इसके बाद जैसे कि भोग की सारी तैयारी हो जाती है, तब हम लड्डू गोपाल की छठी का उत्सव प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी की मालिश की जाती है। आप चाहें तो गाय के शुद्ध घी से मालिश कर सकते हैं, मक्खन से मालिश कर सकते हैं या फिर कोई तेल भी ले सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल हो, बादाम का तेल हो, इस प्रकार से कोई भी तेल लेकर भगवान की मालिश कर सकते हैं। बड़े प्रेम से, पूरे भक्ति भाव से, अपने दोनों हाथों से, हल्के हाथों से, अपनी उंगलियों के द्वारा भगवान की मालिश कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ अभी 6 दिन के हैं तो बहुत नाजुक हैं, तो बहुत आराम से उनकी मालिश करनी है। उसके बाद आप उनका अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले भगवान की जो अभिषेक की क्रिया होती है, उसमें दूध चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, जो कि गाय का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है,
गाय का ना मिले तो आपके पास जो दूध हो वो दूध भी आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, अगर गाय का दूध नहीं है तो पात्र में सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर आपके पास जो भी दूध हो वो दूध आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब जितने बड़े आपके ठाकुर जी हैं, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उसी के अनुसार आपको एक दूध का पात्र लेना है। एक बड़े पात्र में आपको दूध भर लेना है, उसी दूध में ठाकुर जी की डुबकी लगाई जाती है। तो दूध इतना होना चाहिए जिसमें कि ठाकुर जी की डुबकी आप लगवा सकें। तो अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हुए, उनके साइज का ध्यान रखते हुए आपको दूध लेना है एक बड़े पात्र में। अब आप ठाकुर जी को अपने हाथों में लीजिए, दोनों हाथों में अच्छे से ले लीजिए और उनके सिर के पीछे अपने दोनों हाथ लगा लीजिए ताकि सिर नीचे ना जाए उनका। और बहुत जल्दी जल्दी डुबकी लगवाई जाती है ताकि जो ठाकुर जी का सिर है बहुत देर तक दूध के अंदर ना रहे। 3 बार डुबकी लगाई जाती है, पहले एक बार लगा लीजिए, फिर दोबारा, फिर 3री बार। 3 बार ही दूध में डुबकी लगानी है, फिर आप निकाल लीजिए और फिर जल से, शुद्ध जल से उनका अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद साफ कपड़े से अंग पोषण करके और फिर आप उन्हें पीले वस्त्र धारण कराते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, छठी के दिन बच्चों को जिस प्रकार से नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान लड्डू गोपाल को भी बिल्कुल नए वस्त्र ही पहनाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो पीले रंग के नए वस्त्र धारण करा के चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, फिर मोर मुकुट माला इत्यादि ये सभी चीज़ें आप उनके श्रृंगार स्वरूप में उन्हें धारण कराइए। और इसके बाद आप उन्हें इत्र अर्पित कीजिए, फिर धूप दीप इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है उससे विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। और हाँ, आज लड्डू गोपाल की छठी है तो उन्हें काजल भी जरूर लगाया जाता है, तो काजल आप उसी दिन बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार से खरीद कर काजल लाकर लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। बच्चों को जब काजल लगाया जाता है तो बिल्कुल नया काजल उसी समय बनाकर और तभी लगाया जाता है। तो जो दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने, उसी दीपक में से आप काजल बना सकते हैं। चाहे तो अलग से दीपक जलाकर भी काजल बनाया जा सकता है। एक चम्मच को दीपक के ऊपर अगर आप रख देंगे तो उसकी लौ के द्वारा चम्मच में ही काजल बन जाता है। इस काजल को ठंडा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की आंखों में लगाइए। लड्डू गोपाल जी की आंखों में काजल लगाने के बाद उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके माथे पर बिंदी के स्वरूप में, जैसे कि हम अपने बच्चों के हाथों में लगाते हैं बिंदी, काली बिंदी, जिसे कि नजर ना लगे, उसी प्रकार से उनका श्रृंगार कर दीजिए। और हाँ, चम्मच में जो काजल बच गया है उसे परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों में लगा सकते हैं। ये काजल भगवान की प्रसादी है तो इसे अपनी आंखों में लगाने से हर प्रकार की बुरी नजर से आपकी रक्षा भी होती है और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो परिवार के सभी सदस्य मतलब अपनी आंखों में भाव स्वरूप में इस काजल को जरूर लगाएं। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि जिस दूध में आपने भगवान की डुबकी लगाई है उस दूध को आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उस दूध को फेंकना नहीं है, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने में, पीने में, चाय बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बच्चों को पीने के लिए दे सकते हैं, स्वयं भी पी सकते हैं। मतलब वो प्रसाद है, उसका प्रयोग किया जाएगा अपने घर में। काजल लगाने के बाद भगवान लड्डू गोपाल को नजरिया अवश्य पहनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को भी नजर लगती है। तो हम नजरिया बांधते हैं ना, काले धागे वाली, काली मोतियों वाली, उसी प्रकार से आप नजरिया अवश्य पहनाइए। आप चाहें तो चांदी की नजरिया बनवा सकते हैं जिसमें काली मोतियां डल जाती हैं, या फिर जैसे कि हम श्रृंगार की दुकान पर सामान खरीदते हैं तो वहां पर भी काली मोतियों की नजरिया भगवान की मिल जाती है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन हाथों में, पैरों में और गले में भी काली मोतियों की नजरिया अवश्य पहनानी चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को सबकी नजर लगती है क्योंकि वो इतने प्यारे हैं, इतने नाजुक हैं कि हम प्यार से भी उन्हें देखते हैं तब भी उन्हें हमारी नजर लग जाती है। इसलिए श्रृंगार करने के बाद उनकी नजर अवश्य उतारना है। अब भगवान की नजर कैसे उतारी जाती है, देखिए, भगवान की नजर उतारने के लिए आपको चाहिए एक शंख। एक छोटा सा शंख ले लीजिए, उसी शंख में जल भरकर और भगवान के चारों तरफ, भगवान के ऊपर आप 3 बार 5 बार या 7 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इससे भगवान की नजर उतर जाती है। अब इस जल का क्या करना चाहिए, इस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव आप कर सकते हैं। इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर नहीं लगती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और हाँ, इसके बाद भगवान की निछावर ली जाती है। तो जैसे कुछ पैसे अपने पास ले लीजिए, अपने हाथ में कुछ पैसे लेकर अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के ऊपर से घुमाकर और वहीं रख दीजिए। अब बाद में इस पैसे का क्या करेंगे, देखिए, ये पैसा अगर आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, कभी भी खर्च नहीं करते हैं इस पैसे को, तो विश्वास कीजिए आपके घर में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पैसा कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, इस पैसे को जब भी खर्च करना हो तो भगवान के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, भगवान के लिए ही खर्च किया जाता है। जैसे कि भगवान लड्डू गोपाल के लिए आप कोई भी चीज़ लाकर, कोई उपहार लाकर, कोई गिफ्ट लाकर दे सकते हैं इसी पैसे के द्वारा। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये पैसे जो निछावर के होते हैं किसी को दान कर देना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, भगवान लड्डू गोपाल की हम बाल स्वरूप में पूजा करते हैं,
ये बिल्कुल सत्य है। अपने बालक के स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, भाव अपने मन में वही रखते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो भगवान है, तो हम उनकी पूजा भी करते हैं। अब भगवान की कोई भी चीज़ हमारे लिए प्रसाद है, तो उनके ऊपर से वार कर कोई भी चीज़ हम किसी को भी दान नहीं कर सकते हैं। हम रख सकते हैं उसे अपने पास प्रसाद स्वरूप में, उनके आशीर्वाद के स्वरूप में, या फिर उन्हीं के लिए हम कोई चीज़ लाकर उनको दे सकते हैं। साधारणतया जब हम अपने बच्चों के ऊपर से कोई भी पैसा वारते हैं तो ज़रूर हम उसे दान कर देते हैं, लेकिन ये भगवान हैं, इनके ऊपर से उतारी हुई कोई भी चीज़ हम ऐसे ही किसी को दान नहीं करते हैं। बाकी आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। मैं दान नहीं करती हूँ, मैं इस पैसे को अपने पास ही संभाल कर रखती हूँ। और साल में और भी बहुत सारे मौके आते हैं जब भगवान के लिए हम कुछ पैसे निकालते हैं, तो ये सारे पैसे इकट्ठे करके भगवान के लिए ही, भगवान लड्डू गोपाल के लिए ही कोई चीज़ मैं उनके लिए लेकर आ जाती हूँ। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर चाहें तो दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर और अपनी परंपरा पर निर्भर करता है। और हाँ, भगवान का अभिषेक करने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद, उनका निछावर इत्यादि सब लेने के बाद आप उनको भोग अवश्य लगाइए। तो भोग में आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं, कढ़ी, चावल, मिठाई, माखन, मिश्री, फल इत्यादि सभी चीज़ों का भोग भगवान को लगा दीजिए और फिर उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पूरी पूजा के दौरान अभिषेक से लेकर और उनको भोग अर्पित करने तक सारी चीज़ों में आप मंत्र जप अवश्य करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। अपनी इच्छा के अनुसार नाम जप या फिर मंत्र जप जो भी चाहे, लेकिन करते जरूर रहिए। और छठी की पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान ने जो भोग लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कीजिए और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इतना सुंदर अवसर दिया है जब आप उनका छठी मना सकते हैं, जन्मोत्सव मना सकते हैं। ये सभी चीज़ें सबके लिए संभव नहीं हो पाती हैं, बहुत दुर्लभ है ये समय, आपको मिला है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए। आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान लड्डू गोपाल के छठी उत्सव की मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।